एक गधा है जो आपने अपनी बेगम को गिफ्ट किया शादी पे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि एक के साथ एक फ्री मिल जाए तो आपने जो गिफ्ट किया ताकि वो कंपैरिजन कर सके। अस्सलाम वालेकुम पाकपिलर्स, मेरा नाम है सुनील, मैं जो पाकपिल यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ अजलान मौजूद है। अजलान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से? अब तक तो आपको मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अब तक आपको मैं तो खैर पहले से जानता था, लेकिन जो नहीं जानते होंगे उन्होंने रिसेंटली आपका जो एक गधा है जो आपने अपनी बेगम को गिफ्ट किया शादी पे, जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि एक के साथ एक फ्री मिल जाए तो आपने जो गिफ्ट किया ताकि वो कंपैरिजन कर सके, तो उसके बाद से मेरे ख्याल सारे जान गए आपको। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र हूँ। आपको डर तो नहीं लग रहा? यार मुझे शक है, डर नहीं लग रहा, लेकिन मैं तैयार बैठा हूँ कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल सकता है। आपने फ्रांस साहब ने मिलके कोई ना कोई गोइंग की हो, क्योंकि फ्रांस साहब आए भी नहीं ना साथ, तो मुझे लग रहा है कहीं से पाइथन पुथन निकल सकता है। अभी यहाँ से एक तार निकली है, मैंने दो दफ़ा उसको देखा है और फिर मैंने एक्टिंग की है कि मुझे डर नहीं लगा, हालांकि लगा काफ़ी है। तो अगर रिव्यू के दौरान ऐसा कुछ हो तो भाइयों तैयार रहना, मीम्स बनाने वाले तो पहले तैयार रहते हैं। अच्छा जी, मीम से आगे चलते ये बताइएगा कि भाई हम सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरियंट बताएँ। सर मॉडल है 2015, ठीक है, और वेरिएंट है जेड पैक, ठीक है, एंड बस होंडा वेजल, होंडा वेजल जेड पैकेज 2015, बिल्कुल। और बिल्कुल, ये आपने कब लिए? सर ये मैंने हाल ही में ली है, मुझे तकरीबन महीना हो गया। अच्छा, महीना हुआ। लेने की वजह जो है वो पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं GLI चला रहा था, खैर अभी भी है मेरे पास वो, ठीक है, लेकिन वो यही है कि वो 8-9 दे रही है। इसमें ये है कि मैं टंकी भराता हूँ, भूल जाता हूँ आराम से, जो है ना एवरेज 15 जा रहा होता है, 17 जा रहा होता है हल्के पैर से मैं चलाऊँ तो, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो है ना इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। सेकंडली हाइब्रिड है और लग्जरी भी साथ में, क्रॉसओवर है, तो आगे बैठने वाले को तो बड़ा सुकून में बैठा था, पीछे बैठने वाले को मैं समझता हूँ क्योंकि मैं पीछे नहीं बैठ सकता, ठीक है, पीछे बैठने से मुझे लगता है, पहले मैं सोचा जब मैं लूंगा तो यार पीछे बैठने बड़ा मसला होगा, फिर मैंने कहा मैं चलाऊंगा, मैं पीछे थोड़ी बैठूंगा, ठीक है। अच्छा, जब आपने गाड़ी ली आज से 3-4 महीने पहले तो किस प्राइस ब्रैकेट में मिली थी आपको? सर ये मुझे मिली है 40 में। 40 में? अच्छा, अगेन हमें हमेशा लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं, जब आपके पास एक बजट था, एक तो आपने बता दिया रीजन तो बड़ा क्लियर इंटेंट ये था कि जी यू नीडेड अ फ्यूल एफिशिएंट कार, फ्यूल की प्राइस बहुत महंगी है, तो वाज इट द ओनली कार यू कंसीडर्ड कि और भी, क्योंकि मार्केट में प्रियस है, वेजल के अलावा अगर आप देखें एक्वा है, फिट है, मिसफिट है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप ये वेजल पे ये कैसे लेंगे? अच्छा, मैंने एक्वा का सोचा था, फिर लेकिन मैंने ये सोचा कि यार मैं इतने पैसे दे रहा हूँ और उसके बाद मैं हैचबैक में जा रहा हूँ, तो वो मुझे बात मुनासिब नहीं लगी थी, इससे बेटर कि मैंने कहा सेडान से निकल के एटलीस्ट क्रॉसओवर पे तो जाया जाए, ठीक है, थोड़ी सी जो है वो बेहतर मैं समझता था कि सही है। ये फैसला होगा। प्रियस मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन प्रियस के मसले मुझे बहुत लोगों ने बताया था कि भाई जी बैटरी ख़राब होती है तो जी बड़ा मसला हो जाता है, एंड ये किस इस कदम की बातें मैंने बड़ी सुनी थी, ठीक है, इसके बारे में मैंने बड़ा सुना था कि भाई अगर लेना तो 14 से पहले वाला मत लेना क्योंकि उसमें मेरे ख्याल है कि वो गियर उड़ जाएगा, ठीक है, 15 या 15 के बाद, सही है, तो इसलिए जो है मुझे ये एक ऑफर मेरे सामने थी, सही जाए। So, आपका यानी परचेज ऐसे चला कि आपने कहा जी वो हैचबैक है, हैचबैक नहीं क्रॉसओवर, क्रॉसओवर है, मेरा ख्याल है इस बजट में तो कोई भी नहीं आएगी होंडा की, तो कोई क्रॉसओवर इस कैटेगरी में है ही नहीं, बिल्कुल, टोयोटा की आती है क्या उसका नाम है CHR, वो बड़ी महंगी हो जाती है, सॉरी बात कर रहा हूँ CHR में भी, उसमें मेरा ख्याल है ज्यादा मसला है, उसकी पीछे वाली साइड जो है ना वो बिल्कुल यूं है, और मैं समझता हूँ आगे बंदा बैठने वाला भी जो है ना थोड़ा सांस अपनी रोक कर ही बैठता है। अच्छा, क्योंकि हमारे दोस्त है दानियल शेख, उन्होंने रिसेंटली उठाई थी, ठीक है, एंड एक दफा पीछे बैठ गया तो उल्टियां मारते हुए मैं बाहर निकला था ये है इसमें सही, तो यानी फिर तो वेजल एक क्लियर चॉइस रह गई थी, क्लियर चॉइस थी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और वेजल में जिस तरह आपने बताया कि लोगों ने आपको बताया हुआ था कि 15 से पुराने वाली नहीं लेनी, बिकॉज 15 से पुरानी जो है वो तंग करती है। ये क्यों करती है सुनील भाई, आप जरा यार उसके गियर में एक इशू था जो कि नोन फॉल्ट था, 15 से पहले वाली गाड़ी में फॉल्ट आया है और 15 के बाद वाली में वो कंपनी ने हल कर दिया था, लेकिन बहुत से लोग आजकल ना हाइब्रिड गाड़ियां ले रहे हैं और मैं उन सबको ये मशवरा दूंगा जिस तरह आपने भी लिया, आई एम श्योर आपने चेक करा के ली होगी गाड़ी और आपको फ्यूल एवरेज दे रही है, अक्सर लोग ना पैनी वाइज पाउंड फुली शिरकत करते हैं कि जी करोड़े पैसे बचाने हैं, महंगी हाइब्रिड गाड़ी ले लो कि पेट्रोल बचाएगी, लेते साथ ही बैटरी पैक का खर्चा पड़ जाता है 2.5-3 लाख रुपए का, फिर आप उसको डिवाइड करो आपने कितनी गाड़ी चला लेनी होगी, तो वो फिर लोगों को बेसिकली गलत पड़ जाता है। तो गाड़ी हाइब्रिड जरूर लें, लेकिन उसको चेक कर लें कि उसका हाइब्रिड सिस्टम ठीक है और उसके मसले मसाइल नहीं है। और अगर चेक करना हो तो चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि देखें दुनिया में कोई भी आप उसको गैजेट लगा के देख लेंगे तो वो बैटरी हेल्थ वैसे नहीं बताएगा, आप उसकी टेस्ट ड्राइव लें
और आप एक दफा उसको जरा फुल जैसे कहते हैं ना हैवी फुट से जब उसको उठाएंगे ना गाड़ी को, खास तौर पे रिंग रोड या इधर रिंग रोड का पता नहीं हमारे यहाँ तो रिंग रोड है, सो इफ यू अगर उसका हाइब्रिड सिस्टम में कोई भी मसला है आप इसको कंटिन्यूस 5 से 10 मिनट 120-130 की स्पीड पे चलाएं, वो गाड़ी इंजन चेक लाइट ऑन कर देती है कि उसका कन्वर्जन फ्रॉम हाइब्रिड टू पेट्रोल जो है वो मसला है और वो क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा झटका तरीका ये कि आप उसकी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं और चला के देखें, अगर उसको फर्ज करें इस तरह अगर खालिद बिन वलीद रोड पे चल रहे हैं और रश है और हम उसको चलाने के बाद उसकी फ्यूल एवरेज देखते हैं, तो बाय वर्च्यू बीइंग हाइब्रिड इसकी जो बैटरी पे शिफ्ट होना चाहिए और इसकी बैटरीज के साथ इसकी फ्यूल कंजम्पशन अच्छी आनी चाहिए। तीसरा तरीका ये कि आपका हाइब्रिड से जो ईवी लिखा रहा होता है उससे बैटरी से पेट्रोल पे कन्वर्ट कितनी जल्दी हो रही गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी की बैटरी पैक वीक है तो वो 20-30 की स्पीड भी कन्वर्ट कर देगा, अदरवाइज अगर आप उसको लाइट फोर्स से उठा रहे हैं तो 40-50-60 की स्पीड तक जाएगा जब नई होती है बैटरी। तो ये 3-4 झटके तरीके हैं जो आप देख लें तो बेहतर है, वरना फिर वही बात है आपकी पॉकेट में बहुत हैवी पड़ता है। अच्छा तो आपने ये ले ली और अब आपने 4 महीने चलाई है, तो अब आपको फ्यूल एवरेज क्या दे रही है गाड़ी? सर फ्यूल एवरेज जो है वो 15-17 में चला रहा हूँ उस पर। ठीक है, ये 15-17 मीटर पर दे रही है कैलकुलेट किए? ये मुझे मीटर पर दे रही है। वो भी लोग गलत देखते हैं जो मीटर पे आती है ना, मेरा अगेन आज तो ये बड़ा एजुकेशनल किस्म का इंटरव्यू चल रहा है, ग्लासेस उतार लूं ये ना कि लोग समझे को मसला है। ऐसे आजकल कराची में तो स्टेशन पहला वैसा ना मुझे भेजा था मेरी वालदा ने बता के भेजा, इसलिए मैं ग्लासेस लगा, टाइम हो गया मतलब उसको मतलब कल सुबह तक टाइम हो गया यार, ये 2-3 हफ्ते पक्की बात है। होता कैसे सर? कुछ नहीं, वो जब शेर रेस्क्यू करने नहीं गया था सेल पे, अच्छा वो रात में जब मैं घर पर आया तो आंखों मेरी दर्द होना शुरू हुआ, शेर भी सुना रो रहा था तो आप भी रो रहे थे, बस वो हम दोनों साथ मिलकर रोए फिर बाद में। और कितने दिन में सही होता? 4-3 में होता क्या बेसिकली? आंखें रेड हो जाती हैं, आंखें रेड हो जाती हैं और जो है पानी निकलने लगता है और थोड़ा सा जो है ना इरिटेशन होती है, दैट्स इट। ज्यादा तकलीफ देते नहीं है? नहीं नहीं ज्यादा तकलीफ देनी है, अंडरनेस के आप सोचो ऐसे कि हाय मेरी आंखें आ गई। अल्लाह मियां नहीं, मेरे जैसी खूबसूरत हो तो इंसान सोचता रहता है नहीं, अल्लाह मियां सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन ये मैं इसलिए करके आया था। अच्छा तो उसका कैलकुलेशन का मैं कहता हूं सही तरीका ये, आप गाड़ी को फुल करें और उसके आपका ट्रिप मीटर जीरो कर दें, फिर ये हाफ के करीब पहुंचे तो आप दोबारा जाके फुल कराएं, जितने लीटर डाला होगा और ट्रिप मीटर जितना डाला होगा उसको डिवाइड कर लें, दैट विल बी एक्यूरेट आपकी कैलकुलेशन। वरना कभी अगर आप इसको छोड़ेंगे ना तो आपको रेस छोड़ देंगे, गाड़ी चल रही हो कहेगी 99.9 किलोमीटर पर लीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है, एंड दैट कैलकुलेशन विल गो इनटू सिस्टम और वो आपको एक्स्ट्रा दिखाएगी बिकॉज सबको कैलकुलेट करी होती है। तो ये अच्छा पहली चीज़ तो ये होगी कि फ्यूल एवरेज अच्छी होगी, सारा कुछ है। पहले आप टोयोटा चला रहे थे और टोयोटा पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं कि किसी के ऊपर मतलब मोनोग्राम, अगेन नथिंग अगेंस्ट एनिमल, वो कहते हैं गधे भी मोनोग्राम लगा दो टोयोटा बिक जाएगा सर, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन आप होंडा की तरफ आ रहे थे, एक फिलॉसफी है कि मैं तो होंडा ही लेसा, मैं तो होंडा ही लेसा, तो आपने तो होंडा लेसा वाले नहीं थे, लेकिन आपने कहा कि मैंने हाइब्रिड के ले लेना, तो आपने कहीं ये नहीं सोचा कि यार इसके पार्ट्स लेने पड़ेंगे तो महंगे होंगे, कहाँ से मिलेंगे? सर वो एक मुझे किसी ने मिसाल दी थी कि अजलान भाई, हाथी खरीदना आसान है उसको पालना मुश्किल है, दरवाजे बड़े करने पड़ते हैं। ये आपने यानी फिर लेकिन प्राइसेस के पार्ट्स के बारे में कोई रिसर्च की कि नहीं की? इतनी ज़्यादा नहीं की थी मैंने। अच्छा, लेकिन ये पता है कि अगर ये सामने विंडशील्ड टूटेगी तो कितने की आएगी, साइड मिरर जाएगा तो कितने का जाएगा। अच्छा, कराची में तो एक और बड़ा फैशन है, खासतौर पे पहले नहीं होता लेकिन वेजल के सुने पूरा पूरा डैशबोर्ड उतार के ले जाते हैं। सर ये बात है, पूरा एसी का पैनल ले जाते हैं, डैशबोर्ड पूरा एसी का पैनल, साइड मिरर, कुछ नहीं छोड़ते यहाँ। बट लेकिन फिर मिल भी जाते होंगे ना, जिस तरह जो लेके जाते हैं वो भी कहीं बेचते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपके चोरी होंगे ना तो आपको आप ही की गाड़ी की चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे। वो मिल जाएगी, तो आपने इंश्योर कराई भी गाड़ी? मैंने इंश्योर कराई है। कमाल आदमी यार, ये तो बेहतरीन आदमी है, वरना लोग नहीं कराते। तो हमने पार्किल्स पे एक इंश्योरेंस पेज बना दी, अगर आप लोग भी इंश्योर कराना चाहते हैं, मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी ओन नहीं करता ना पार्किल को इंश्योरेंस बेचता है, मेरा कोई फायदा नहीं भाई। आप लोगों की बेहतरी के लिए एक पेज बना दी है, अगर आप कन्वेंशनल इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तमाम कंपनीज की डील लिखी है, आप इस्लामिक कराना चाहते हैं तो मुशारका डील जो भी अवेलेबल है, बट करा लें बिकॉज हमारे मुल्क में हालात ऐसे हैं हालात कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। अच्छा ये आप दुबई जाते रहते हैं? मैं नहीं दुबई तो नहीं जाता, मैं गाड़ी में ये वल्ला हबीबी वाला इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है मुझे, ये दुबई में ये कारपेट होता है, ये सब लगा आया था, मैंने कोई फनकारी नहीं की है, टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, ये फनकारी मैंने नहीं की है, एंड बस ये है कि काले शीशे जो है थोड़ा जरूरी हो जाते हैं कभी कभार, तो जब फैमिली होती है और अच्छा नहीं लगता कोई बाइक वाइक साइड में लग जाए और फिर वो आगे जाके रोके और बोले कि अजलान भाई जो भी चला खाली करें, तो बस उसके लिए थोड़े से काले शीशे जरूरी है। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा इसकी अभी तक जब से आपने लिए मेंटेनेंस वगैरह होंडा से कराते हैं बाहर से कहीं से कराते हैं? नहीं बाहर से कराते हैं। और व्हाट डज एन एवरी ऑयल चेंज कॉस्ट यू? 7000। और ये तकरीबन 5000 किलोमीटर पे? 4000 किलोमीटर के निकाले तो दैट्स नॉट दैट बैड। अच्छा इसके जो हेड यूनिट है ये एंड्रॉइड लगा हुआ है बाद में, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी कनेक्टिविटी वगैरह तो फिर बहुत इजी है। अच्छा एक दफा जब मैं GLI चलाता था
तो उसका वो पैनल वो वाला लगा होता है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा जो होता है उसका, तो ब्लूटूथ ऐड करने के लिए आपको तकरीबन पीएचडी करनी पड़ती है सर। पीएचडी मैंने आपकी ही वीडियो देख के की थी, मैंने आपकी वीडियो खोली उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखा था। और मैंने इसलिए बनाई थी कि मेरे पास भी जीएलआई थी, मैं एक दिन इस्लामाबाद जा रहा था लाहौर टू इस्लामाबाद अकाउंट कनेक्ट, मैंने वापसी पे सोचा कि ये तो कोई तरीका नहीं, ये दुनिया में लोगों की चीज़ें आसान करते हैं। फिर मैंने ब्लूटूथ वाली बनाई और उसी दिन आके मैंने वीडियो बनाई उसी जीएलआई पे बनाई, मैंने कहा ये तो तरीका, ऐड डिवाइस प्लाना, फिर इस बटन को इतने के साथ चार दफा दबाएं तो ये होगा, फिर फूंक राइट दफा मारें, बट वो काफी मुश्किल था। इसका तो ईजी है, इसका तो बहुत ही, इसका तो प्लग एंड प्ले है, वो मसला ही नहीं। लेकिन आपकी वो वीडियो जो है ना, मैं समझता हूँ दुआएं दी थी मैं तो आपको बहुत ज्यादा यार, अल्लाह ताला दे दिया करें दुआएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लें सब्सक्राइब, कोई बिल नहीं आएगा चैनल का, इट्स फॉर एवर फ्री, ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई पैसे तो नहीं करने, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनील भाई बात बताएं, गाड़ियों की बातें होती रहेंगी, मुझे पता है जानवर के शौक है आपको। ये मैं जानवर का भी आपको बताता हूँ, पहले गाड़ी पूरा करें, मुझे पता है कहाँ जा रही है बात। ये बताएं कि इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। अच्छा मुझे एक चीज बड़ी इसमें डर लगता है कि अभी तो बड़ा नया है, ये थोड़े अरसे बाद इसका क्या होगा, अगर ये खराब हो गया तो क्या करेंगे सर? दुआ करेंगे। और अब ऐसा भी नहीं है, हमारे घर बच्चे तो है नहीं कि भाई बार बार उंगली कर रहे हैं और पानी डालें जूस फेंके चाहिए, तो उस लिहाज से ठीक है। लेकिन एसी अच्छा चलता है, एसी बिल्कुल सही है, हीटेड सीट्स भी हैं। ये देखिए ये ले सर, आप वही वाली चीज करने वाले हैं, ये मेरे साथ हुई है। अच्छा इसमें क्रूज भी है? इसमें सर क्रूज भी है, इसमें एक ये ब्रेक वाला सिस्टम भी है। वो खुद ही ब्रेक भी लगा, खुद ही ब्रेक भी लगा। आपने एक्टिवेट किया है? नहीं उसको मैंने ऑफ किया। हाँ वो कर दे, क्योंकि मुझे याद है मैंने बनाई थी एक दिन एक रिव्यू, और हम लाहौर में भी जा रहे थे, वो बंदे ने सड़क पे ब्रेक लगाई और छलांग लगाई, गाड़ी ने ब्रेक लगा दी और पीछे वाला तकरीबन अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसमें जापानीज एडवांस पढ़नी पड़ती है जाके ये सब, बट वो ऑफ करना ज्यादा बेहतर है। अच्छा ये तो हो गया। मेरा एक मसला है यार, मैं जब कोई गाड़ी लेता हूँ ना तो मेरा ख्वाहिशात बड़ी लामितनाही है, अनलिमिटेड होती है। बड़ा मैंने उर्दू का वर्ड इसके लामितनाही ख्वाहिशात गलत वाला लव लग रहा है वैसे। अच्छा लेकिन तो आपने जब गाड़ी ली कोई चीज मिस करते हो यार ये भी होना चाहिए था? यार नहीं, फिलहाल तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, मैं कोई ऐसा कोई मिस नहीं कर रहा। काश ये भी होता वो भी था। एक छोटी सी चीज है कि मालिक अगर सनरूफ भी अगर हो ही जाती तो बड़ा अच्छा होता है, वो बस एलिमेंट नहीं है। अदरवाइज अब बंदा जीएलआई से जब किसी दूसरी गाड़ी पर जाता है ना, उसको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है चाहे वो जैसी भी हो। सही है। एंड इसकी जो सस्पेंशन है उसका क्या ख्याल है कराची के खड्डों के लिहाज से? कभी आपको स्मूथ लगती है कि लगता है कि थोड़ा ये जैपनीज गाड़ी है तो थोड़ा अच्छा? वैसे डग डग तो नहीं है, लेकिन अब हम इतने इम्यून हो गए, खड्डे इतने याद हो गए कि पता कि देखो क्या बदनसीबी है हम लोगों की, कि हमें अच्छी सड़कें नहीं है। लाहौर की सड़कें बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे अच्छी सड़क नहीं है, तो हम इतने इम्यून हो गए, हमें पता है कि मैं कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ खड्डे से किस तरीके से गुजारना है। लेकिन वो वाला हिसाब नहीं है कि जी जंगली हो जाए धड़ धड़ धड़। सही, अनटेनलेस के वहाँ पर डाला ना। अच्छा अगर तो यूजर आप भी अगर यूज वीजल खरीदना चाह रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, हाइब्रिड गाड़ी देखना चाहते हैं, तो हाइब्रिड कार पार्क व्हील लिख के सर्च कर सकते हैं, वेजल पार्क व्हील लिख के सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो आपको डायरेक्ट लिंक आ जाएंगे जितनी भी गाड़ियां पार्क व्हील्स पे लिस्टेड हैं। बट अगेन हाइब्रिड गाड़ी खरीदने से पहले और यूज गाड़ी से खरीदने से पहले खास तौर पे पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर कॉल कर लें 0422111943357, या फिर हमारे जो एंड्रॉयड या iOS के ऊपर ऐप है उसके ऊपर भी आप इंस्पेक्शन सर्विस कॉल कर सकते हैं, और थोड़े से पैसे बचाने के लिए ज़्यादा पैसे का नुकसान ना करें तो बेहतर है। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे वो तो हमने पहले बोल दिया था सब्सक्राइब वाला, आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।